डांस इज नॉट एन आर्ट बट टू मेक अदर्स डांस इज एन आर्ट। अर्थात नाचना कोई कला नहीं है लेकिन दूसरों को नचाना जरूर एक कला है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, कौन से सेंटेंस ऑप्टेटिव कहलाते हैं। पहले तो प्रश्न यही है, इच्छा आशीर्वाद और कामना प्रकट करने वाले वाक्य, इच्छा आशीर्वाद और कामना प्रकट करने वाले वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें नेगेटिव वाक्य नहीं होते, इनमें नेगेटिव वाक्य नहीं होते। ऐसा तो होता है कि मे यू डाई, किसी को अभिशाप दे रहे हैं कि भगवान करे तुम मर जाओ, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस इसमें नहीं होते। तो इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं पहले तो मैं ये बता दूं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आएगा मे, एम ए वाई, मे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद आएगी क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो मैं सांकेतिक रूप से वी वन लिखता हूं। वी का अर्थ है वर्ब और वन का अर्थ है फर्स्ट फॉर्म, वी वन का अर्थ है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो इस प्रकार का होता है, नीचे बिंदु का चिन्ह और ऊपर ये, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाते हैं। अब इनके सेंटेंस कैसे बनेंगे मैंने फार्मूला बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। मे शुरू में आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। जैसे अब उदाहरण के लिए देखें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे वाक्यों के शुरू में ही मे आता है जैसा मैंने स्ट्रक्चर में बताया है। मे यू लिव लॉन्ग का अर्थ है भगवान करे आप दीर्घायु हो, इसमें भगवान करे अपने आप ही है, ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना की जाती है। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो या आप दीर्घायु हो, आशीर्वाद है ये, आशीर्वाद के रूप में। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू क्या है, ईश्वर यदि सब्जेक्ट है तो उसकी अंग्रेजी गॉड लगती है, यानी ईश्वर यदि सब्जेक्ट है करता है तो गॉड उसकी अंग्रेजी होगी। और कभी ऐसा भी होता है कि गॉड लगाया ही नहीं जाता तब भी माना ईश्वर को ही जाता है। जैसे ईश्वर करे वह उत्तीर्ण हो जाए, ईश्वर करे वह पास हो जाए, मे ही पास, इसमें गॉड है ही नहीं, ईश्वर करे जरूर है, ईश्वर करे, ईश्वर करे का अर्थ है भगवान करे और ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान ऐसा करे कि, भगवान ऐसा करे कि वो उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए कक्षा में, मे ही पास, ईश्वर करे वह उत्तीर्ण हो जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। और आप दीर्घायु हो ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखें अगला सेंटेंस क्या है, एक शब्द है गॉड फॉरबिड, एक शब्द है गॉड फॉरबिड, ध्यान से देख लें शब्द को, गॉड फॉरबिड, इसका अर्थ क्या है गॉड फॉरबिड का, ईश्वर ना करे भगवान ना करे। और एक शब्द है गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा या भगवान करे, गॉड विलिंग, गॉड फॉरबिड का अर्थ है भगवान ना करे, गॉड विलिंग का अर्थ है भगवान करे या भगवान ने चाहा। देखें गॉड
फॉरबिड, भगवान न करे दैट कि ही मे लूज, ईश्वर ना करे कि वह हार जाए, भगवान ना करे, कैसा ना करे कि वह हार जाए। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, ईश्वर ना करे उसमें गॉड फॉरबिड शब्द आता है, और जिसमें ये होता है कि भगवान करे या भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग यू विल सक्सीड, गॉड विलिंग यू विल सक्सीड, भगवान ने चाहा तो तुम जरूर सफल होगे, भगवान ने चाहा तो तुम जरूर सफल होगे। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस बनते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। गॉड फॉरबिड और गॉड विलिंग, इन दो शब्दों को समझना जरूरी है। भगवान ना करे कि अंग्रेजी गॉड फॉरबिड, और भगवान करे कि गॉड विलिंग है होती है। अब देखें, ऐसे शब्द काश जिनमें लगा हुआ होता है, काश या कितना अच्छा होता, काश या कितना अच्छा होता के अनुवाद में जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो स्ट्रक्चर होगा ये, यानी फार्मूला होगा ये। शुरू में ही वुड दैट का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है काश ऐसा होता, कितना अच्छा होता। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना ना भूलें, एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना ना भूलें। देखें, वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, रिच पुअर कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखें सेंटेंस, देखें, वुड दैट, काश, आई वर रिच, मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। इस प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे वो वुड दैट लगा करके बनेंगे। क्या होगा उसमें, काश या कितना अच्छा होता। ऐसे जितने भी अनुवाद बनेंगे वो वुड दैट का प्रयोग करके बनेंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। दूसरा सेंटेंस देखें, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, मे शुरू में आ जाएगा, फिर ये सब्जेक्ट गॉड है, ये आ जाएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे, मे गॉड सेव यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड, मे गॉड यानी ईश्वर, ईश्वर जो गॉड आ गया तो ईश्वर लगेगा, मे गॉड सेव यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, शुरू में मे, फिर गॉड, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फिर यू, इस तरीके से बनेगा, तुम्हारे लिए कहा गया है इसलिए यू आएगा। अब देखें अगला सेंटेंस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन देखें यहां पर गॉड का प्रयोग हुआ है पहले सेंटेंस में, मे गॉड सेव यू, लेकिन दूसरे सेंटेंस में भगवान का नाम तो आया है मगर गॉड का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात गॉड का प्रयोग आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, नहीं करें तब भी अर्थ भगवान से ही माना जाएगा, ये नहीं है कि अलग से माना जाएगा, भगवान से ही माना जाएगा। देखें इसकी हिंदी, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, पीस माने होती है शांति, रेस्ट माने आराम करना। मे हिज सोल, जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने इसमें गॉड नहीं लगाया, इस सेंटेंस में लगाया है, और यहां पर
गॉड नहीं लगाया है। तो गॉड नहीं लगाने पर भी सेंस ईश्वर का ही रहेगा। ईश्वर यदि सब्जेक्ट है तो गॉड का प्रयोग होता है या नहीं भी होता है, या नहीं भी होता है। तो इस प्रकार ये ऑपरेटिव सेंटेंसेस बनाने की विधि है जिसमें इच्छा, आशीर्वाद और कामना का प्रकटीकरण होता है। कामना प्रकट होती है, इच्छा, आशीर्वाद, कामना। लेकिन इसमें ये भी है, मे यू डाई, कर्स भी है। कर्स माने होता है अभिशाप, मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस भी ऐसे ही बनते, मे यू डाई। तो ये सेंटेंस कर्स है, अर्थात कर्स का मतलब ये होता है अभिशाप दे रहे, किसी को शाप दे रहे, मे यू डाई। तो ये सेंटेंस भी ऐसे बनते हैं। अब ये जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको ये ऑपरेटिव सेंटेंसेस बनाने समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने दोनों का स्ट्रक्चर बराबर दिया है, वुड दैट वाले का भी और मे का भी स्ट्रक्चर दिया है, फार्मूला दिया है, इसके आधार पर ये बनेंगे। यदि ये मेरी वीडियो ऑपरेटिव सेंटेंसेस की पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।